है ईद खत्म होने की देर है, कैसे हर जगह सेल लग गई है, देख सकते हैं इतनी सेल। लिटरली ईद पे है पूरा स्किन केयर एरिया और यहाँ पे गाइस आपको ऑर्डर नहीं करना पड़ता, सारे मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जो सिर्फ आपको नहीं सबको पसंद है, सिर्फ मुझे नहीं सबको पसंद है। ओह गाइस ये सॉफ्ट टॉयज वगैरह, इतने सारे लिटरली सॉफ्ट टॉयज। आप अपने टाइम सेव करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये 3 मिनट का टाइमर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ मरवा, ये मेरी बहन और ये है मेरा छोटा भाई मुजम्मिल, जिसे तो आप लोग जानते होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, बेसिकली ईद का है, पता नहीं कितना दिन, दूसरा या तीसरा दिन, अभी हम लोग जाने लगे हैं मॉल के अंदर। और अभी गाइस 6 बज रहे सुबह, जैसे उठे गाइस रमज़ान की रूटीन ने भी हमारा असर नहीं छोड़ा, ईद भी हो गई, रमजान गुजर भी गया। यस गाइस, लेकिन रूटीन चेंज करने में टाइम तो लगता है ऑब्वियसली। तो ईद भी, ईद के बाद पहले भी मेरी मामा ने शॉपिंग की, तो अभी भी वो हमें सुबह सवेरे उठा के लेके आई है शॉपिंग के, क्योंकि गाइस रात को तो इतना रश होता है कि मत पूछे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड से, हम लोगों ने मॉल के अंदर जाना है और अभी हम लोग जा रहे हैं। सुबह सवेरे का वक्त है क्योंकि ये ईद के गाइस दिन चल रहे हैं। तो फाइनली अभी ईद का तीसरा या दूसरा दिन है, मैं तो ये भी भूल गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सुबह के वक्त आ गए क्योंकि रात के वक्त जितना रश होता है तो दिन को वक्त, दिन के वक्त मतलब कि अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, तो इतना रश नहीं है, बहुत ही रश होता है, लोग घूमने फिर आए। लिटरली मुझे यकीन नहीं आ रही, पूरी मार्केट खुली हुई है, बिल्कुल ऊपर से तो बंद है लेकिन नीचे से ये पूरी पूरी मार्केट खुली हुई है, बाहर सारी पार्किंग फुल है लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी है। पहली बार मैं देख रही हूँ इतनी खामोशी इस मॉल के अंदर। लिटरली लोग अभी आए हुए हैं, अपनी ईद खत्म हो गई लेकिन ईद की शॉपिंग करने आए हुए हैं। ईद खत्म होने की देर है, कैसे हर जगह सेल लग गई है, देख सकते हैं इतनी सेल। लिटरली ईद पे ये लोग इतना लूटते हैं ना, जिसकी हद नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ वॉशरूम, इसके बाद करेंगे हम लोग शॉपिंग। और जैसे ही देखते रहते कि एस्केलेटर तो बंद है, वो एस्केलेटर खुली है बाओ, तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ। और नीचे भी फुल सन्नाटा है ब्रो, मतलब आधी मॉल ओपन है वहाँ से बंद है, नीचे से कुछ कुछ शॉप्स खुली हुई हैं जिन्हें अभी भी रोजे की पड़ी हुई अपनी, तो उन्होंने खोली हुई है। और अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ और नीचे तो फुल सन्नाटा ही सन्नाटा है ब्रो। अभी मैं आई हुई हूँ वॉशरूम के अंदर, पहली बार मुझे इतना मतलब कि सन्नाटा दिख रहा है वॉशरूम के अंदर, तो मैंने सोचा सामने कोई नहीं, अपनी गाइस दो चार यहाँ पे सेल्फीज ले लूँ। वैसे मेरा गाउन लग क्या रहा है, मेरे बहन भाई हैं बाहर की तरफ और अभी तो हम लोग भी चलते हैं बाहर की तरफ। ईद की यहाँ पर डेकोरेशन हुई भी है और अंदर भी लिटरली फुल वो डेकोर हुआ हुआ है। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है पहले सेल्स क्यों नहीं लगाते, अब जैसे ईद खत्म हो गई इन लोग की सेल्स लगी है। और हटो मेरे सामने से गाइस, मेरा व्लॉग खराब कर रहे हो। 23 रियाल के मैक्स। हाँ ईद का दूसरा दिन मतलब ईद मतलब खत्म हो चुकी है और अभी इनकी सेल्स देखें, पहले ये ताजर लोग इतने महंगाई कर देते हैं, जो भी मतलब शॉप्स वाले हैं। और अभी भी मेरी मामा की शॉपिंग नहीं खत्म हो रही लिटरली, और मुझे हैरान की हो रही है ईद के दूसरे तीसरे दिन ये खुला कैसे होगा। इस सामने देखो सेल लग गई है, बस ईद खत्म होने की देर थी, बस ईद खत्म होने की देर। हाँ भाई क्या क्या है, मुझे क्या देखो ये कितने क्यूट क्यूट कपड़े, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल में। यस गाइस, लेकिन इतना क्यूट और छोटा बेबी हमारे घर में, तो हम लोग क्या करें इतने क्यूट कर। इसके साइज का है वो कपड़े, तो अभी मतलब आधी खुली हुई है आधी बंद है। हम लोग सोच रहे हैं भाई चलें यहाँ से, मम्मा कुछ शॉपिंग कर रही है नहीं, जस्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं टाइम पास, टाइम वेस्ट, टाइम पास। तो चलते हैं, ये देखे ये पूरी इतनी बड़ी मार्केट है वहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर और इसके अंदर डिस्काउंट भी, डिस्काउंट वहाँ पे सारे आईफोन के सारे कवर्स भी हैं। और ये पूरी गाइस मार्केट है, इधर से चलते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं। गाइस ये रेडियो है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ रेडियो, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ रेडियो। और वाह गाइस क्या ये चीजें आई हुई हैं, क्यूट सी इतनी, मुझे रमजान में नहीं दिखी और ईद के बाद ये दिख रही है लिटरली। ओ गाइस इतने क्यूट मिरर्स, ये देखो ये इतना नन्ना सा ये उठा के आया हुआ है रेडियो। और यहाँ पे तो भाई चीजें सही हैं गाइस, हमेशा मुझे अच्छी चीज उस वक्त पे मिलती है जब मेरे पास पैसे नहीं होते,
ईद पे मैंने सारे पैसे उड़ा दिए। अब मुझे यहाँ पे देखें इतनी अच्छी अच्छी मतलब कि चीज़ें मिल रही हैं, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है कि इनको खरीद सकूँ। देखिए कितनी क्यूट है। तो गाइस अगर आप अपने टाइम सेव करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यस दिखाओ भाई, ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये देखो, ये 3 मिनट का टाइमर है और ये 10 मिनट का टाइमर है और ये है 15 मिनट और 10 मिनट का। ये तो गाइस टूटा हुआ है। चलो भाई भागो, हमने तो नहीं तोड़ा ना, हमारे पास 15। गाइस अगर आप का क्वेश्चन ये कि आपको पता कैसे लगेगा कि टाइम पूरा हो गया, जैसे यहाँ से आ जाएगा समझ जाए आपके 3 मिनट हो गए, सिर्फ आप 15 मिनट का भी कर सकते हैं। हम लोग के घर पे 15 मिनट का ही पड़ा हुआ है। पहुँच गए एक और चीज देखने, तो ये मेरे आईफोन के लिए कवर देख रहे हैं। ओह भाई अभी तो ना करूँ, मैं अभी ब्लॉग करूँ। तो ये बारबी का भी है हर तरह की, लेकिन ये पॉपिट वाला पड़ा हुआ, लेकिन पॉपिट वाला बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। पिंक पैंथर, पिंक पैंथर। तो अभी ये बच्चों वाला गाइस मिकी माउस, मिकी माउस। बच्चे हो ना तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे थोड़े एस्थेटिक्स है वो मैं चूज करने वाली हूँ। इतना अच्छा कवर मिला है, सोचो कैसा होगा, इतना एस्थेटिक्स है। दिखाओ कैमरा तुम्हारे हिसाब से, बिल्कुल आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, कर ली आंखें बंद करो, आंखें कर ली, कर ली। दिखाओ की आंखें बंद की है। चलो दिखा, देखो देखो उफ गाइस ये क्या बदतमीजी है। ये छोटे बहन भाई भी ऐसे ही होते हैं, स्कैम करते हैं। मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जो सिर्फ आपको नहीं सबको पसंद है, सिर्फ मुझे नहीं सबको पसंद है। ओ गाइस ये सॉफ्ट टॉयज वगैरह, इतने सारे लिटरली सॉफ्ट टॉयज, ये तो मुझे सॉफ्ट टॉयज की फैक्ट्री लग रही है। ओ गाइस डोरा डोरा, मतलब हर कार्टून यहाँ पे पड़ा हुआ है। इतने सारे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। इतना बड़ा पिकाचू, स्पंजबॉब, स्पंजबॉब पिकाचू, ओए वो बेबी शार्क डोडो वाली। इतने खुश गाइस ऐसे हो रहा है जैसे इन्होंने इनमें से एक भी लेना है, इन्हें इनमें से एक भी नहीं मिलना। अस्तगफिरुल्लाह, इतने बड़े हो गए और टॉयज एरिया में आए हुए हो भाई। चलो तो ये देखिए इतना बड़ा पॉपिट भाई, ओ तेरी खैर, मैं तो पहली बार देख रही हूँ लिटरली इतना बड़ा पॉपिट। तो चले, और यहाँ पे पड़ी हुई है बहुत सारी प्लेडो पे है पूरा स्किन केयर एरिया, और यहाँ पे गाइस आपको ऑर्डर नहीं करना पड़ता सारे ब्रांड्स के, मतलब कि यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है, पाकिस्तान में तो ऑर्डर करना पड़ता सब कुछ। और ये अभी तक कवर्स ही देख रहा है, पर पापा तो बोर हो गए, पापा शॉपिंग से इतने बोर हो गए हैं कि वो बाहर जाके बैठ गए हैं। और अभी तक यार लड़कों की भी शॉपिंग नहीं ख़त्म हुई हुआ और ये लड़का हो के चूज लड़के हो रही है। हाँ आप कोई बहाना नहीं मिला तो झूठ, रोज ईद के बाद भी झूठ, रोजा तो है ही नहीं इसका। गाइस ये देखिए इतनी बड़ी जो है मार्केट में हमने क्या लिए, एक मेहंदी, और बाकी आप देख सकते हैं ये देखिए स्टेशनरी आइटम्स पड़े हैं, रजिस्टर्स हैं और बहुत सारे जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पड़े हैं। ये देखें गाइस ये स्टेशनरी है, हाइलाइटर्स वगैरह और मार्कर्स, पेंस, स्टिकी नोट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत सारे अलग अलग, और यहाँ पर जो है परफ्यूम्स हैं, नीचे चिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये तो स्किन केयर का एरिया है। ये बेबी जोन, ये मरवा है, हेलो हाय, हाँ आंटी के पास है। देखें यहाँ पे टॉयज एरिया है, मेरा भाई देखें टॉयज एरिया है यहाँ पे। क्या चल कर रहे हो जमील? पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये छोटी सी बच्चों वाली कार, खैर आओ जमील, पापा ने बुला लिया, चलो पापा डांट रहे हैं अभी, उन्हें नींद आ रही है, चलो चलो चले। और देखें गाइस बनाना, और चलो पिकाचू, ऑलवेज माय फेवरेट, और बलून्स गाइस बर्थडे पार्टी के लिए 100 पीस बलून्स जी लेना है। और आप ये देखिए पेन्स वगैरह, स्टेशनरी आइटम्स, ये देखो पेन देखो, यस, अरे यार ये कैसा पेन है। अब चलो पापा डांटेंगे, पापा बुला रहे हैं, जमील देखो आपके काम की चीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। गाइस अब चलते हैं बाहर, पापा हमें डांट ही ना थे, इतना टाइम हमने लगा दिया है मार्केट में, तो चलिए अब चलते हैं। लिटरली अब हम इस एक मेहंदी के लिए इतनी जो है लाइन, डेकोरेशन देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है डेकोरेशन हुई हुई है। फाइनली पापा बाहर से उठ के आ ही गए हैं कैप्चर, तो गाइस चलने चलते हैं।
एक शॉप से इतनी शॉपिंग कर ली है मुझे पता नहीं था, और मेरे लिटरली इस पर 200 रियाल तो ऐसे ही गए। ओ गाइस इतनी क्यूट है सऊदी डॉल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस हमने एक मेहंदी उठाई थी, लिटरली एक मेहंदी, और इतनी शॉपिंग तो की है, देखते इतनी शॉपिंग की। गाइस जाहिर है जो चीज़ आपके सामने आपको अच्छी लगेगी तो आप बाय करोगे, और बाकी पूरी मॉल भी बंद होने को आ गई है। और किसी शॉप पर देखे उसमें जाए पापा कह रहे हैं भाई बस भी कर, औरतों की कभी शॉपिंग खत्म होती है। तो गाइस अभी आप देखिए टाइम, देखिए हम सुबह सवेरे उठ के आए हैं, 7 o'clock हो रहे हैं, तो के बाद से जो है यहाँ पे फिर रहे हो। देखिए गाइस ईद मुबारक की डेकोरेशन। यस गाइस, तो जैसे ही होता जा रहा है टाइम ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब आवाम थोड़ी बहुत ही भरती जा रही है ब्रो। यहाँ पे कर रहे हैं अपने व्लॉग को एंड, आई होप आपको हम लोग का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।